नमस्कार, आप देख रहे हैं HVN न्यूज चैनल, जो सच वही खबर के साथ में पंकज कुमार कर। चलिए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं की सहगर्मी तेज हो गई है। क्षेत्र के दौरा शुरू हो गया है। इस कड़ी में विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 138 के पूर्व विधायक डॉक्टर रामदेव वर्मा की पत्नी बक्सर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष मंजू प्रकाश ने विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसको लेकर संवाददाता से खास बातचीत की हमारे मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HVN न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है। इसको लेकर के बिहार में पूरी तरह से राजनीतिक जो है वो पूरी तरह से गर्म है माहौल पूरी तरह से। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं बक्सर से CPM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के, ये दो बार MLA रह चुकी है बक्सर से, और वो इस बार विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी भाग को आजमाएंगे। वो हैं मंजू प्रकाश, जो महिला आयोग का ये चेयरमैन भी रह चुके हैं बिहार का। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और बात करके जानते हैं चुनावी मुद्दा में और यहाँ पे जो चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में। आइए मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपके HVN न्यूज चैनल पर। जी मैडम। हाँ मैडम, बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आ गया, चुनाव शुरू भी होने वाला है, आचार संहिता लग भी गया है, और आप बिहार में बक्सर से आप चुनाव लड़ी, वहाँ आप जीती भी, वहाँ के आपने विधायक भी रही हैं, फिर आपके मन में ये क्या भावना आ गया कि आप विभूतिपुर आ गए? ऐसा है कि दो बार MLA रहने के बाद फिर मैं वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन बन गई, और इसके बाद मैं राजनीति से अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, घरेलू वजहों से, मैं राजनीति से थोड़ी अलग हो गई थी। अच्छा। मुझे दोबारा कोई बहुत ख्वाहिश नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन मिस्टर रामदेव वर्मा के बीमार पड़ने के बाद, मेरे पति जो यहाँ से लगातार 25 वर्षों तक MLA रहे, उनकी तबीयत खराब होने के बाद एक यहाँ बहुत बड़ा बैक गैप हो गया, और वर्तमान जो सरकार है, प्रशासन है, MLA है, उससे यहाँ के लोग काफ़ी छूट गए। हजारों लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल किया और मुझे बुलाया कि आपको आना चाहिए और आके यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, फिर यहाँ की राजनीति की अस्थिरता को दूर करना चाहिए, हम लोग बहुत निस्सहाय हो गए हैं, इस वजह से मैं आई। तो आपकी पार्टी जो है CPM जो है वो तो गठबंधन को समर्थन कर रही है, गठबंधन में, फिर आप गठबंधन में यहाँ से आपको क्या टिकट मिलने की संभावना है? नहीं, गठबंधन ने टिकट दे दिया है किसी और को दे दिया। अच्छा, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। तो आप निर्दलीय से यहाँ पे आप चुनाव लड़ेंगे और CPM के कार्यकर्ता हैं आप, वहाँ एक अच्छे नेता हैं आप, CPM से नेता भी, आप विधायक भी रहे हैं, फिर निर्दलीय से यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम? मैंने कहा ना कि CPIM ने किसी और को टिकट दिया है, फिर आप उसको यहाँ यहाँ मेरी यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया। CPIM के जिन लोगों को टिकट मिला है उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा, वो महागठबंधन उम्मीदवार हैं, लेकिन विभूतिपुर की जनता ने मुझे आवाज़ दिया, फिर उसका प्यार और स्नेह ने मुझे बुलाया, इसकी वजह से मैं यहाँ आया। अच्छा, यहाँ पे जो जनता ने आपको आवाज़ दिया है विभूतिपुर में, किस वजह से आवाज़ दिया है? मैंने कहा ना, यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार है, जितनी परेशानी है, तरह की समस्या है, जनता में जितना असुरक्षा का बोध है, जनता में जितना भय व्याप्त है, उन सब की वजह से जनता ने मुझे आवाज़ दी। तो जनता में भय व्याप्त किस कारण से? गुंडागर्दी की वजह से, रंगदारी मांगने की वजह से, करप्शन की वजह से जनता त्रस्त है। भय व्याप्त होने के साथ साथ एक तो भय व्याप्त है कि राह चलते कहाँ से रहजनी हो जाएगी, कहाँ छिनझपट हो जाएगा, कहाँ गोली चलने लगेगी, रात में लोग रात में बाहर निकलना विभूतिपुर के अंदर अंतर्गत निरापद नहीं समझते हैं, रात में कहीं बाहर नहीं जाना, मूवमेंट तय करना चाहते हैं। दूसरी बात कि ब्लॉक में, थाने में इतना भ्रष्टाचार है, इससे जनता त्रस्त है इन बातों की। तो अभी नीतीश कुमार की सरकार है जो सुशासन की सरकार कही जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, उसके बाद अपराध मुक्त बिहार जो है कहने की वो कह रहे हैं, और उन्हीं की सरकार में यहाँ के विधायक हैं, जदयू से ही राम मलक सिंह हैं, तो क्या यहाँ पे जो
मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा था सुशासन की सरकार, क्या यहाँ सुशासन की सरकार नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं है। मैंने तो यही कहा और मैं यही बार बार कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सुशासन के मुख्यमंत्री जी हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त और कदाचार मुक्त बिहार बन चुका है, इस बात की घोषणा करते हैं, बनाना है ये नहीं कहते, बन गया है भय मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। आप यहाँ पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप एक बार यहाँ के थाने में एक बार ब्लॉक में जाने का कष्ट करें, विभूति की जनता से पूछने का कष्ट करें कि वो किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसका तो फैसला जनता करेगी। क्या लग रहा है, 10 साल यहाँ पे जदयू की सरकार में जो यहाँ पे विधायक रहे हैं, 10 साल में काम हुआ है? नहीं, उनका अपना काम करने से नहीं, उनको अपना विकास करने से फुर्सत हो तब ना जनता का विकास करेंगे। उनको अपना होटल बनाना है तो अपना कॉलेज बनाना है, अपना स्कूल बनाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है, 7 पुश्त को सुरक्षित करना है, तो अपनी सुरक्षा से हमको पहले फुर्सत मिले तब ना हम जनता की सुरक्षा करेंगे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।